मधुबनी में बिजली करंट लगने से प्राइवेट मिस्त्री की दर्दनाक मौत। सीमावर्ती क्षेत्र साहरघाट थाने के लोमा गांव की घटना। बिजली के ट्रांसफार्मर पर चढ़कर काम कर रहा युवक अचानक करंट लगने से धू धू कर जलने लगा और हो गई दर्दनाक मौत। मधुबनी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र साहरघाट थाना के लोमा गांव में बिजली की चपेट में आने से एक प्राइवेट बिजली मिस्त्री की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान सलेमपुर निवासी स्वर्गीय रामकिशन मंडल के 35 वर्षीय पुत्र दिनेश मंडल के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक लोमा गांव स्थित बिजली के ट्रांसफार्मर पर चढ़कर काम कर रहा था। उसी दौरान बिजली के तार से युवक स्पर्श कर गया और युवक अचानक कर धू धू कर जलने लगा और जब तक लोग बिजली पावर हाउस को फोन करते तब तक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार दलबल के साथ पहुंचकर खुद से युवक के शव को उठाकर एम्बुलेंस में डाला और लोग मूक दर्शक बनकर तमाशबीन बने रहे। पुलिस युवक के शव को लेकर मधवापुर CHC पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुखिया अनिरुद्ध राय, पूर्व मुखिया देवेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व सरपंच राम सरोवर राय समेत स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि बिजली ठेकेदार के साथ मृतक बिजली ट्रांसफार्मर पर चढ़कर काम कर रहा था, जहां बिजली की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। लोगों ने ये भी कहा है कि ट्रांसफार्मर और 11,000 तार बीच गांव में है, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। इसलिए जल्द ही ट्रांसफार्मर और 11,000 तार को उक्त जगह से हटाया जाए। इस संबंध में थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम में भेजने की तैयारी की जा रही है। घटना की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिजली विभाग के कनीय अभियंता सुनील कुमार ने कहा कि घटना की जानकारी मिली है। मृतक हमारा कर्मी नहीं था और न ही शटडाउन लिया गया था। घटना की जांच की जाएगी। वैसे पीड़ित परिवार को उचित मुआवजे की पहल की जाएगी। घटना के बाद सलेमपुर पंचायत में कोहराम मच गया। मृतक के छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। पत्नी दहाड़े मार मार कर फिलक रही थी। इसी के साथ मधुबनी से चौथा स्थान ब्यूरो रिपोर्ट। ग्रामीण में इलेक्ट्रिक से दुर्घटना हुआ है। कैसे हुआ है ये पूरी जानकारी बताओ। हाई वोल्टेज गांव में वायर आया हुआ है। गांव घर का चीज है हाई वोल्टेज। हाँ, इनको हम लोग विभाग से कहना चाहते हैं कि हाई वोल्टेज को चार्ज करें। अच्छा, आप लोग का मांग है कि आबादी के बीच में ट्रांसफार्मर है और 33,000 जो तार 11,000 तार गई हुई है। हाँ, 11,000 हाई वोल्टेज गई हुई है। हाँ, बार बार घटना होती है। बिजली विभाग को दिखानी दे रहा है हाई वोल्टेज साइड होना चाहिए। अच्छा, जो जिसकी मौत हुई है वो कहाँ का आदमी था? वो सलमपुर का आदमी था। वो क्या था, मिस्त्री था? मिस्त्री था, दो ठेकेदार भी था उनके साथ में। अच्छा, तो किस काम के लिए ट्रांसफार्मर चला था? पता नहीं, हम तो उधर थे, हमको तो जब आवाज किया तब हम आए। अच्छा, वो दोनों ठेकेदार ही बोलेगा किस काम के लिए लाया था। आप लोगों का मांग है कि जो 11,000 का साइड किया जाए, यहाँ आबादी से साइड किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार यादव।